हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 8.3। हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 8.2 तक कंप्लीट कर लिया है। आपको क्लास 8 मैथ का प्लेलिस्ट इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो इस एक्सरसाइज में आपको चक्रवृद्धि ब्याज से जुड़े सवाल दिए गए हैं। ऐसे सवाल को बनाने के लिए पहले आपको इसके फॉर्मूले, इसके डेफिनेशन वगैरह मालूम होने चाहिए। ब्याज दो तरह के होते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज को हम इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले हम इन दोनों के बारे में जान लेते हैं, देन हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। साधारण ब्याज का परिभाषा लिखा है। साधारण ब्याज का परिभाषा जाने से पहले हम ये देखेंगे कि ब्याज क्या होता है, मूलधन, मिश्रधन, ये सब क्या होता है। पहले हम इसके बारे में जानते हैं। जैसे यहाँ देखिए, मूलधन क्या होता है? साहूकार या फिर बैंक से उधार लिया गया धन जो होता है वो क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। ब्याज क्या होता है? मूलधन के साथ कुछ और, मूलधन के साथ ही और भी धन दिया जाता है, धन दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ब्याज। तो मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन यानी कि मूलधन और ब्याज का जो योग होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मिश्रधन। यहाँ पर है समय। समय क्या होता है? जितने वर्षों या फिर दिनों के लिए धन लिया जाता है उसको समय कहते हैं। और फिर एक होता है दर, ब्याज की दर। तो देखिए, ब्याज की दर या फिर दर प्रति 100 रुपये मूलधन पर प्रति वर्ष दी जाने वाली रकम दर कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने 1000 रुपया लिया है, तो उसके हिसाब से आपको ब्याज का दर देना पड़ता है, तो उसी को क्या कहते हैं? ब्याज की दर कहते हैं। तो प्रति वर्ष 100 रुपया मूलधन पर प्रति वर्ष दी जाने वाली रकम क्या कहलाती है? ब्याज की दर कहलाती है। पर हमने ये सारा चीज देखा, मूलधन, ब्याज, मिश्रधन, समय और दर। अब हम परिभाषा देखेंगे साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज का परिभाषा है, जब ब्याज केवल मूलधन पर निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने किसी व्यक्ति से पैसा लिया 12000 रुपया। ठीक है, तो आपने मान लीजिए कि आपने लिया है चार वर्ष के लिए आपने लिया, और आपको क्या करना होगा? तो आपको इस पे ब्याज देना पड़ता है, एक निश्चित दर से ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, वो बदलता नहीं है, हर वर्ष एक ही जैसा रहता है, तो वैसे ब्याज को कहते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, ब्याज देते हैं आप, ब्याज देते हैं लेकिन एक निश्चित दर से देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? वैसे ब्याज को साधारण ब्याज कहा जाता है। तो यहाँ पर आपने साधारण ब्याज को समझ लिया होगा, आई होप। एंड अब हम देखेंगे, जैसे कि हम साधारण ब्याज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, साधारण ब्याज, मूलधन, मिश्रधन, इन सबको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो साधारण ब्याज का मैंने शायद आपको बताया सिंपल इंटरेस्ट होता है। देखिए, साधारण ब्याज का इंग्लिश होता है सिंपल इंटरेस्ट, एंड मूलधन का होता है प्रिंसिपल, ब्याज यानी कि इंटरेस्ट, मिश्रधन यानी अमाउंट, एंड समय का होता है टाइम, दर यानी कि रेट। साधारण ब्याज को आप शॉर्ट कॉट में बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में SI, और मूलधन को P बोल सकते हैं, ब्याज को बोल सकते हैं I, मिश्रधन को A से सूचित किया जा सकता है, ठीक, और समय को T से, दर को R से, इस तरह से आप शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। अब यहाँ पर साधारण ब्याज से जुड़े कुछ फॉर्मूले हम देखेंगे। और देखिए, यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिख रहा है, साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। दर निकालने का फॉर्मूला ब्याज गुना 100 बट्टा मूलधन गुना समय। समय निकालने का फॉर्मूला होता है ब्याज गुना 100 बट्टा दर गुना मूलधन। मूलधन निकालने का फॉर्मूला ब्याज गुना 100 बट्टा दर गुना समय। फिर यहाँ पर देखिए, साधारण ब्याज निकालने का समय, यहाँ पर फिर से, यहाँ पर मैंने बताया जहाँ पर जो भी फॉर्मूला यूज होता है वहां पर हम वो फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर फिर से साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला दिया गया है, मूलधन का दर गुना समय प्रतिशत। मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला मूलधन जोर ब्याज। फिर वैसे यहाँ पर ब्याज निकालने का फॉर्मूला है, तो ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या है? ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। ठीक है, ब्याज निकालना हो तो मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर देंगे। फिर यहाँ पर देखिए, मूलधन का फिर से फॉर्मूला दिया गया है, तो मूलधन का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना 100 बटा 100 प्लस समय गुना दर। तो ये सारा फॉर्मूला जो आपने देखा ये था साधारण ब्याज से रिलेटेड। ठीक है, अब हम देखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? जब एक निश्चित समय के बाद दिया जाने वाला ब्याज जमाकर्ता को ना देकर मूलधन में जोड़ दिया जाए और फिर प्राप्त मिश्रधन पर ब्याज लगाया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम समझते हैं। और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये फॉर्मूला है, ये मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला है, सेम है।
चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, मिश्रधन माइनस मूलधन। फिर वैसे मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला है मूलधन गुना एक प्लस दर बटा 100 पावर में समय है। तो ये मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला, और तो यहाँ पर मिश्रधन, चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला सारा दिया गया है। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड फॉर्मूले हैं। अब हम ये समझेंगे कि साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। देखिए, जैसे कि मान लिया कि आपने किसी व्यक्ति से 10,000 रुपया उधार लिया है, तो साधारण ब्याज में क्या होता है, साधारण ब्याज में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति से जो रुपया उधार लिया है वो 5 वर्ष के लिए है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ब्याज देना पड़ेगा, हर वर्ष आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो आपका जो ब्याज का जो दर है वो निश्चित दर से आप ब्याज दे रहे हैं, जैसे कि आप हर वर्ष 2% ब्याज दे रहे हैं, ठीक है। तो आपका दर जो है वो निश्चित है, तो आपको इसी तरह से 5 वर्ष में आपको 10,000 रुपया चुकाना है 2% ब्याज देकर, 2% दर से आपको ब्याज देकर आपको ये कर्ज चुकाना है, ठीक है। तो ऐसे होता है साधारण ब्याज में। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या आता है, देखिए सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, 10,000 रुपया आपने किसी से उधार लिया 5 वर्ष के लिए, ठीक है, ये निश्चित दर से आप क्या कर रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं, दर वही है, सेम है। लेकिन इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि आपने, तो अगर आपने किसी वर्ष ब्याज नहीं दिया है तो वो ब्याज क्या होता है, इसमें मूलधन में जुड़ जाता है और फिर इस पे भी ब्याज लगाया जाता है, तो उसी को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, यानी कि ये एक चक्र की तरह चलता रहता है। तो यही अंतर होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। तो आई होप आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं चैप्टर। देखिए, एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन है, सुधीर ने एक कोट 4500 यानी कि 4500 रुपये मूल्य के खरीदे, ठीक है, सुधीर ने एक कोट खरीदा 4500 रुपये में, उसे बिक्री करके 6% अतिरिक्त देने पड़े, उसे बिक्री करके 6% अतिरिक्त देने पड़े, तो बताइए कि सुधीर ने कोट खरीदने में कुल कितने रुपए लगाए। सुधीर ने कोट कितने में खरीदा, 4500 रुपये में, और उसे बिक्री कर कितना देना पड़ा, 6%, तो उसे बिक्री कर देना पड़ा 6%। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि सुधीर ने कोट खरीदने में कुल कितने रुपए खर्च किए, यानी उसने कितने रुपए लगाए। तो सुधीर ने जितने में कोट खरीदा और उसे जितना बिक्री कर लगा, ठीक है, यहाँ पर बिक्री कर प्रतिशत में दिया गया, इसको हम रुपए में चेंज करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। चलिए इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दो चीज दिया गया है, कोट का मूल्य दिया गया है और बिक्री कर दिया गया है। तो बिक्री कर जो है यहाँ पर प्रतिशत में दिया गया है, तो बिक्री कर को हम रुपए में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिक्री कर रुपए में, इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है, कैसे चेंज करेंगे, 4500 गुना 6/100, 6% यानी कि 6/100 हुआ, ये 0 और ये 0 कट गया, 45 गुना 6 कर देंगे, तो इसको गुना करने पे कितना आएगा, 6×5=30 का 0 बाकी 3, 6×4=24 और 3 कितना हो जाएगा, 27, यानी कि 270 रुपया क्या हो गया, बिक्री कर हो गया। कोट का मूल्य 4500 रुपया और बिक्री कर उसको कितना लगा, 270 रुपया। यहाँ पर हम लिखेंगे सुधीर, यहाँ पर लिखेंगे सुधीर ने कोट खरीदने में, कोट खरीदने में इसने कुल रुपये लगाए, उसने कितना रुपये लगाए, कोट का मूल्य था 4500 रुपया, 4500 और बिक्री कर उसको लगा 270 रुपया, ठीक है, तो दोनों को मिला के कितना हो गया, देखिए 0 और 0 ये दोनों जुट गया, फिर ये 7 और 0 ये भी जुट गया, फिर 2 और 5 ये भी जुट गया, और फिर 4, टोटल कितना हो गया, 4770 रुपया। तो ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने अपनी दुकान से 3 महीने की बिक्री के बाद 4500 रुपया वेट के रूप में वैट के रूप में जमा किया, यदि वैट की दर 4% हो तो यह बताइए कि उसने कितनी मूल राशि का सामान बेचा। ठीक है, देखिए, एक दुकानदार था, उसने अपनी दुकान से 3 महीने की बिक्री के बाद, मतलब कि 3 महीने में उसने जितना अपने दुकान में सामान बिक्री किया उसमें उसने 4500 रुपया वैट के रूप में जमा कर दिया।
ठीक है। और यदि वैट की दर 4% हो, वैट का दर क्या था 4%, तो आपको यह बताना है कि उसने कुल कितनी मूल राशि का सामान बेचा। तो चलिए बनाते हैं। तो सेकेंड नंबर में आपको दिया गया है दुकानदार 3 महीने में कितना वैट जमा करता है 4500 रुपया, यानी कि 4500 रुपया, और वैट दर कितना है 4%। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मूल राशि, हमें निकालना है मूल राशि। तो मूल राशि हमें मालूम नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि मूल राशि एक्स है, ठीक है, माना कि मूल राशि कितना है एक्स है, और वैट दर कितना है 4%। तो वैट दर को हम क्या करेंगे, रुपए में चेंज कर लेंगे, वैट दर रुपए में। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, एक्स का 4% हो जाएगा, ठीक है, यानी कि मूल राशि का 4%, एक्स का 4%, यानी कि एक्स गुना 4/100। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 25, 25 × 100 आता है, तो यहाँ पर कितना हो गया, ये ऊपर है, देखिए ये पूरा जो है एक्स और ये 4 ये ऊपर था, तो एक्स 25 हो गया। इसको हमने रुपए में चेंज कर लिया, वैट के दर को हमने रुपए में चेंज कर लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 महीने की बिक्री के बाद 4500 रुपए वैट के रूप में जमा किया, वैट कितना है यहाँ पर 4500 रुपया, और वैट का दर यहाँ पर 4% दिया गया था, जिसको हमने रुपए में चेंज कर लिया है, वैट का दर दिया गया है प्रतिशत में 4%, जिसको हमने रुपए में चेंज कर लिया है। तो आपका ये वैट और ये जो हमने रुपए में चेंज किया, ये आपका बराबर हो गया। तो ये आपका और ये दोनों बराबर हो गया, तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिखेंगे x 25 बराबर 4500। तो यहाँ पर x निकालना है, तो x बराबर 4500 अपने ही जगह पे रहेगा, फिर 25 उधर जाएगा, तो ये भाग में है, तो इधर आके ये गुना में बन जाएगा, तो 4500 गुना 25 हो जाएगा, और जब आप इसको गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,12,500 रुपया।